प्रेजेंटेड बाय वीगार्ड। लोकसभा चुनाव 2024 में आपको एक बात शायद नई नजर आ रही होगी, जो घट तो अभी रही है लेकिन उसका नतीजा भविष्य में जाकर दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर के साथ साथ दक्षिण पर भी ज्यादा फोकस कर रही है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग हर दूसरी या तीसरी रैली दक्षिण में ही हो रही है। बीजेपी को कभी दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में बड़ी सफलता नहीं मिली है, यही वजह है कि वो अब यहाँ पर अपना झंडा फहराना चाहती है। लेकिन शायद आपको ना मालूम हो कि इसी दक्षिण के एक राज्य की वजह से कभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार गिर गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज वो किस्सा जिसने 1999 में वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया था। ये कहानी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एस जयललिता की है। आपके साथ मैं हूं मोहित ग्रोवर, और अब शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। 29 मार्च 1999 को दिल्ली के अशोक होटल में एक टी पार्टी रखी गई। इसे सुब्रमण्यम स्वामी ने आयोजित किया था। पार्टी की गेस्ट ऑफ ऑनर तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। विपक्षी नेताओं की इस पार्टी में तब सरकार का हिस्सा रही जय जयललिता भी आई थी। इस चाय पार्टी के 2 हफ्ते बाद केंद्र की वाजपेयी सरकार गिर गई थी। ये क्यों और कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ा रिवाइंड में जाना पड़ेगा। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके में भरपूर दुश्मनी रहती है। जयललिता जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने राज्य में डीएमके से अलग एक नया ऑप्शन दे दिया, लेकिन 1996 के चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार मिली थी और सिर्फ 4 सीटों पर ही ये पार्टी सिमट गई थी। कमाल ये था कि खुद जयललिता भी ये चुनाव हार गई थी। जब राज्य में इसी के बाद डीएमके की सरकार आई तो जयललिता पर कई तरह के केस कर दिए गए, वो जेल भी गई, और जब 1 महीने के बाद वो जेल से बाहर आई तो उन्होंने राज्य के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर भी फोकस किया। भले ही तब राज्य में जयललिता की सरकार नहीं थी, लेकिन 1998 के चुनाव में उनकी पार्टी के पास 18 सांसद जरूर थे। यही वो समय था जब केंद्र में भाजपा को एक साथी की जरूरत थी। 13 दिनों की सरकार चलाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को जब दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला तब भी उनके पास कोई बहुमत नहीं था। 1999 में वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जयललिता ने उनकी पार्टी को इसके लिए समर्थन भी दिया। अब हाल ये था कि अगर कोई भी पार्टी वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती तो वो सरकार तभी गिर जाती। जयललिता ने जब भाजपा को समर्थन दिया तब उनके सामने कुछ शर्तें भी रख दी। पहली शर्त तो यही थी कि करुणानिधि की सरकार ने उन पर जो केस लगाए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। दूसरा कि तमिलनाडु की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। वाजपेयी ऐसे नेता नहीं थे कि किसी राज्य सरकार को ऐसे ही बर्खास्त कर दे। अब वो दौर भी नहीं था कि जहां पर इस तरह सरकारें हटा दी जाती हों। उन्होंने जयललिता की ये शर्तें नहीं मानी। तब जयललिता ने एक कोशिश करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने की अपील की, लेकिन ये भी फाइनल नहीं हो सका। इसी के बाद जयललिता ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का मन बना लिया था। 13 अप्रैल को जयललिता दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। उनके साथ उनका पूरा लाव लश्कर भी मौजूद था। जयललिता ने मीडिया से इतना ही कहा कि वो जरूरी काम के लिए दिल्ली आई हैं और ये काम नई सरकार के गठन का है। हमने बीजेपी को समर्थन करके एक बड़ी गलती की है, एक साल पूरा बर्बाद हो गया। जयललिता दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में ठहरी हुई थी। उनके लिए एक बड़ा सा सूट बुक किया गया था जिसका किराया तब 25,000 रुपये प्रति दिन का था। तब की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जयललिता अपने 48 सूटकेस के साथ दिल्ली आई थी। फ्लोर के 5 कमरे बुक थे और पूरा फ्लोर रिजर्व रखा गया था। दरअसल जयललिता जहां भी जाती थी वहां उनका सामान पहले ही पहुंच जाता था। तमाम कपड़ों से लेकर बेडशीट तक, तौलिए से लेकर बाकी सभी सामान तक, सब कुछ उनके काफिले के साथ चलता था, और इसी वजह से ये 48 सूटकेस उनके साथ आए थे। जयललिता सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर रुकी थी। दिल्ली आने के बाद उन्होंने छोटी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरे पर उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी में हिस्सा भी लिया और फिर राष्ट्रपति से मिलकर वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया। इसके अगले दिन यानी 17 अप्रैल को वाजपेयी की 13 महीने की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी। इस 1 वोट से जुड़ा हुआ किस्सा हमने आपको पहले भी चुनावी किस्से में बताया है। वाजपेयी सरकार और जय जयललिता से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ टीवी 9 डिजिटल पर। शुक्रिया।